हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करूँगी आप सभी से अपना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन और कुछ नई चीज़ें शेयर करूँगी, रेसिपीज शेयर करूँगी, साथ साथ में कॉफ़ी की कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जो आप 2 मिनट में झाग वाली कॉफ़ी बना के पी सकते हो। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं अंदर और दिखाती हूँ मैं। आज हम लोग बेडरूम में सोए थे बिकॉज़ रात को बारिश होने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, तो हम लोग अंदर ही सो गए थे और ध्रुव भी सोया हुआ है, हस्बैंड भी सो रहे हैं। तो मैं अंदर जाके आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि फ्लैश की लाइट देख के ना ध्रुव बहुत जल्दी उठ जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं मैं सीधा बाथरूम में आ गई हूँ और झाड़ू पोछे का काम बाकी है। तो सबसे पहला काम है इन कपड़ों को मैं अभी डिप करके रख देती हूँ सरफ के पानी में, और बारिश का पानी गिर रहा है ऊपर से तो मशीन मेरा लगाने का मन है नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो डिप करके रख देते हैं, अगर बारिश रुकेगा तो मैं मशीन लगा दूंगी, नहीं तो इनको हाथ से ही वॉश कर लूँगी। तो साड़ियाँ हैं मेरी और हस्बैंड के भी हैं कुछ कपड़े। तो अभी 2 दिन पहले ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी हमारे यहाँ पे, जिसकी वजह से कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए, और गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर ज़्यादा नहाना भी होता है, फिर जल्दी जल्दी कपड़े भी चेंज होते हैं, और एक बार कपड़े पहन लो तो फिर उनको दोबारा पहनने का मन होता नहीं है। तो मैंने फ़िलहाल मशीन लगा दिया है, तो पानी तो वैसे अभी टपक रहा है ऊपर से और बारिश भी धीमी धीमी हो रही है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं फिर से कपड़े हाथ से धोऊंगी तो मेरी बैक बहुत ज़्यादा पेन करेगी और फिर मैं काम भी नहीं कर पाऊंगी। मम्मी के घर से जो आटा आया था, भाई लेकर आया था, वो अब काफ़ी दिन हो गए उसको लाए हुए, लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं। तो मैंने इसको ड्रमी में फिल करके रख दिया है और ड्रमी को मैंने लगभग पूरे दिन की धूप लगाई थी, और उसके बाद मैंने इसके नीचे न्यूज़पेपर और 2-4 लौंग ऐड करके आटे को फिल कर दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ नहाकर, और आज मैंने ब्लू वाली साड़ी पहन ली है बहुत टाइम के बाद। ये साड़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है और इसमें काम करने में भी मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होती। तो मैं कोशिश करती हूँ दिन भर में मैं कपड़ा कुछ ऐसा पहनूँ जिसे काम करते टाइम पे मुझे ज़्यादा परेशानी ना रहे और साथ में मैं ध्रुव को भी संभाल पाऊँ। तो खुद को रेडी करने के लिए थोड़ा सोचना समझना भी पड़ता है, कुछ भी मैं उठा के ज़्यादा पहन नहीं सकती क्योंकि ध्रुव बीच में बहुत परेशान करना शुरू कर देता है मुझे कुछ भी मैं अच्छा पहन लेती हूँ। तो उसके बाद ही अच्छे से मेकअप कर लिया है, और आजकल मैं अपने फेस पे क्रीम भी लगाना शुरू कर दी हूँ क्योंकि बारिश का मौसम हो गया है और मौसम ठंडा होता है तो मेकअप करने का भी मन करता है। तो मेकअप में मैं ज़्यादातर एलोवेरा जेल और अपना डेली क्रीम, और उसके बाद बस थोड़ा सा यही काजल और लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, बस यही सारी चीज़ें लगाती हूँ और बाकी कोई भी प्रोफेशनल मेकअप मैं नहीं करती। उसके बाद अभी पूजा भी हो गई है देखिए मेरी, और पूजा आज मैंने बहुत ही शांतिपूर्वक आराम से की थी, और पूजा जो आराम से ही करनी चाहिए क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम रहता है वो पूरा हमें अपने लिए ज़रूरी रहता है, और सुबह उठने के लिए देखिए किसी भी तरह के आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप खुद से चीज़ों को डिसाइड कर लेंगे कि आपको उठना ही उठना है, तो सुबह की एक जो एयरनेस होती है और जो मॉर्निंग का फ्रेशनेस होता है उसे आप फील करेंगी ना, तो आपको अगली सुबह उठने का खुद ही मन कर जाएगा कि जो सुबह की एक एनर्जी होती है वो दिन के किसी भी टाइम में आपको नहीं मिलेगी जो इस टाइम पे मिलती है। तो अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकालिए और हवा लीजिए बाहर की सुबह की, तो फिर देखिए आपका माइंड भी पॉजिटिव रहेगा और आप भी स्वस्थ रहेंगी। और चाहे आप हाउसवाइफ हैं चाहे जेंट्स हैं, क्योंकि मैंने ना बहुत ज़्यादा लेडीज़ों के कमेंट्स ये भी फेस किया है कि कुछ कहती हैं कि सिर्फ महिलाओं को ही क्यों उठना चाहिए, ये जो नियम है ये जेंट्स लोगों पे लागू क्यों नहीं होता है, सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही शादी होने के बाद सिर्फ महिलाओं को ही क्यों ये लाइन ज़्यादा सिखाई जाती है कि सुबह उठना है, इतने बजे उठना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए चाहे आप महिला हैं, जेंट्स हैं, या फिर आप किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको सुबह उठना अपने लिए ज़रूरी होता है ना कि किसी और के लिए। और ये जो टाइम है ना वो अपने आप को दीजिए, कोई फालतू के कामों को नहीं। तो मैं ज़्यादातर अपने आप पे काम करती हूँ सुबह उठ के, और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं जितना हो सके अपने आप पे ही काम करूँ, योगा, वर्कआउट और अपना मॉर्निंग का जो काम होता है उसको फिनिश करना, क्योंकि इस दिन में मुझे बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं, साथ में ध्रुव के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है, और अभी वो बड़ा हो रहा है तो इसीलिए वो सारी चीज़ों को नोटिस करने लग गया है। फिलहाल आज हस्बैंड बहुत टाइम के बाद आ गए थे ब्लॉग में, तो अभी नाश्ते का टाइम हो गया था और कह रहे थे कि कॉफ़ी बना लो, इनको कॉफ़ी बहुत पसंद है जब भी बारिश होती है, और सर्दियों में ज़्यादातर मेरे घर में कॉफ़ी ही पिया जाता है। कल एक सिस्टर का मुझे कमेंट आया था कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं,
तो मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, नहीं तो मैं अपना लिंक, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसमें भी देख लेना। तो मैं क्लियरली नहीं बता सकती कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है आप सभी को, तो प्लीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे कॉफ़ी बनाने का बहुत ही अच्छा सा टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आपको झाग वाला कॉफ़ी बनाना है ना, आप इस तरह से बना सकते हो। देखिए बहुत ही सिंपल है, सिर्फ दूध में आपको कॉफ़ी और चीनी को उबाल लेना है और उसके बाद इसको जितना हो सकता है उतना ऊपर से आप फेटेंगे और झाग बनता जाएगा। फेटेंगे जितना ज़ोर ज़ोर से आप इसको इधर से उधर पलटेंगे ना, तो झाग बहुत बनेगा और देखिए कितना ज़्यादा झाग बन के कॉफ़ी में तैयार हो जाता है। और कॉफ़ी पी ली थी हम लोगों ने, बस आज मैंने रेडीमेड जो नाश्ता होता है उसी के साथ ही हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद यहाँ ध्रुव को नहलाने का टाइम हो गया था, तो पहले सोचा उसके लिए नाश्ता बना देती हूँ। और आज 3 से 4 दिन के बाद लगभग बन रहा है सूजी का हलवा, बिकॉज ध्रुव को हलवा बहुत पसंद है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि हलवा ही दूँ इसे। और दिन में तो चटपटा खा लेता है वैसे, लेकिन सुबह में दाल, दलिया और दलिया, खीर और ये हलवा, इस तरह की चीज़ें मैं देना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि इसमें प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो हलवा मैंने बना के रख दिया था, उसके बाद मैं ध्रुव को नहला के ले आई हूँ और टाइम अभी लगभग 9-10 बजे का हो रहा था, तो अभी मैं चलूँगी लंच बनाने। और आज बहुत ही बढ़िया सी लंच थाली आप सबके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ आप बने रहिएगा। और किचन में जाने से पहले मैं ध्रुव से ज़्यादातर फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि ये खाना खा के और नहा के खाना वगैरह खा के थोड़ा सा फ्री लेता है, उसके बाद ये लंबी नींद सो जाता है और ये लगभग 2-2.5 घंटे तो सोता ही है। तो इन 2-2.5 घंटों में मैं आराम से अपना किचन का काम निपटा लेती हूँ, खाना बनाना और वीडियो शूट करना सारे काम मैं कर लेती हूँ, क्लीनिंग करना। उसके बाद जी धूप हो गई थी तो मैं कपड़े डाल गई थी छत पर, जो भारी भारी कपड़े थे, और बाकी जो हल्के हल्के थे उनको मैंने नीचे पंखे की हवा में सूख के लिए रख दिया था। और इतना तेज़ धूप हो रही थी कि हालत ख़राब हो गई थी मेरे, सिर्फ ये 2-4 कपड़े उतारने में और सीधा आ गई नीचे, तो छाँव में आके एकदम सर पूरा चकरा रहा था, इतना ज़्यादा धूप तेज़ हो गई थी। और फिर से बारिश हो गई, फिर से धूप हो गई, ऐसे ही सारा दिन चलता रहा। उसके बाद सारे कपड़े मैं ले आई हूँ और अभी सिर्फ मैं इनको फोल्ड करके रखूँगी, शाम को थोड़ा बहुत टाइम बचता है तब मैं इनको प्रेस कर देती हूँ, लाइक जैसे कि डिनर करने से पहले और शाम का थोड़ा बहुत जो रूटीन होता है उसको निपटाने के बाद। और सारे कपड़ों को मैंने रख दिया है, उसके बाद मैंने भी अपना साड़ी चेंज कर लिया था, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो। और टाइम अभी ऐसा हो गया था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो आज मैं बनाऊँगी कढ़ी चावल बहुत टाइम के बाद, क्योंकि अभी सावन लगने वाला है तो इस तरह की चीज़ें हम लोग सावन में नहीं खाते हैं, बैंगन हो गया और कढ़ी हो गया, तो ये 2 चीज़ें बिल्कुल नहीं बनती हैं मेरे किचन में। उसके बाद मैं यहाँ पर अभी बेसन में डाल दिए थोड़ी सी ऑनियन और ग्रीन चिली कट करके, और थोड़े थोड़े मसाले ऐड कर दिए। और आज बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी कढ़ी, और पहले मैंने कई तरीके अपने ब्लॉग में शेयर किए हुए हैं कढ़ी बनाने के, कि आप पहले कढ़ी को बॉईल कर लीजिए उसके बाद तड़का लगाइए, और पहले भी तड़का लगता है कढ़ी में और फिर उसको पकाया जाता है तड़का लगाने के बाद। तो आज मैं शेयर करूंगी आप सभी को डबल तड़के वाली कढ़ी। तो सबसे पहले मैंने पकौड़ियाँ बना ली हैं सॉफ्ट सॉफ्ट, और बेसन को आप जितना ज़्यादा फेटेंगे पकौड़ी उतना ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार बनेगी, और कढ़ी में जाके बिल्कुल भी आपकी पकौड़ी ना टाइट नहीं होगी। तो मैंने सरसों ऑयल में फुल रेसिपी बनाई है, और कढ़ी की रेसिपी ज़्यादातर सरसों ऑयल में ही बेस्ट लगती है। तो मैंने यहाँ पे तड़का डाल दिया है, मेथी दाना, ज़ीरा और थोड़ा सा लहसुन प्याज चॉप करके रखा हुआ था, और कुछ ग्रीन चिली। उसके बाद ये दही मेरे पास जमाया हुआ था घर का ही, तो थोड़ा था, तो फिर मैंने जो कटोरी वाला दही रखा था उसमें से भी थोड़ा सा डाल दिया था, क्योंकि दही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कढ़ी में। बेसन की क्वांटिटी मैं कम ही रखती हूँ, और कढ़ी या लस्सी इस तरह की चीज़ें ज़्यादा रखती हूँ कढ़ी में, तो काफ़ी अच्छी लगती है कढ़ी। और दही का और बेसन का मैंने घोल बना के रख लिया है पतला सा। उसके बाद यहाँ मसाले में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड करके इसको भिगा के मैंने रख दिया था। मसालों को अगर हम पहले ही भिगा के रख देंगे तो उसको फूलने की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, और मसाले भी अच्छे से आपके भुन जाएंगे। और इन मसालों को थोड़ा सा भूनने के बाद ही मैंने इस बैटर को ऐड कर दिया था, और अभी इसे कंटिन्यू चलाती रहूँगी लगभग 10 मिनट तक, जब तक इसमें अच्छे से बॉईल नहीं आ जाएगा।
और कड़ी देखिए उबलने ही वाली थी, तभी हमारे नन्हे गोपाल उठ के सीधा मेरे पास आ गया था कि मम्मा अंदर किचन में होंगी, इसको पूरा पता रहता है, और आके बैठ गया है गोदी में। तो देख सकते हैं, एक तो गर्मी है और ऊपर से ध्रुव को मस्ती सूझ रहा है और पकौड़ी खा रहा है, और खा भी नहीं रहा है, फेंक दी थी बाद में। फिर मैंने इसको कार्टून चला के अंदर टीवी में और बुबू दे दिया था, तो अपना दूध पी के ध्रुव कार्टून देख रहा था। तब तक मैंने अपने किचन के सारे काम निपटा लिए थे। तो यहाँ पे अभी बॉईल जैसे ही आ जाएगा, मैं इसमें ऐड कर दूंगी ब्लैक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट दोनों। मौसम काफ़ी हद तक अभी फिर से ऐसा बारिश जैसा हो गया है, और शाम को हमारे यहाँ पर बारिश हो गई थी, तो बारिश के मौसम में कढ़ी चावल बहुत टेस्टी लगता है। और गर्मी हो या सर्दी हो, कढ़ी चावल तो सभी का फेवरेट होता है। देखिए, मुझे तो बहुत पसंद है, और ख़ासकर जो मट्ठे वाली कढ़ी होती है वो भी बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ कढ़ी ऑलमोस्ट कुक हो गई थी, और अभी बस इसे 5-10 मिनट और मैं अभी कुक करूँगी। उससे पहले यहाँ बनाऊँगी बेस्ट तड़का, बहुत ही मज़ेदार वाला। और डाल दिया है मैंने इसमें मेथी दाना और थोड़ा सा ज़ीरा और कुछ हींग, और डाल दूंगी इसमें 10-12 करी पत्ते। तो वैसे करी पत्ते का टेस्ट मेरे हस्बैंड को कम पसंद है, लेकिन तड़के में डालूंगी तो वो खा लेंगे, और वैसे ही कड़ी में डाल देती ना तो वो बिल्कुल भी कड़ी को नहीं खाते। और डाल दिया है काश्मीरी लाल मिर्च, ये तड़के को बहुत ही अच्छा सा कलर दे देता है, और ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। और देख सकते हैं, आज की कड़ी मेरी बिल्कुल डिफरेंट है, सारे दिनों से चेंज है, मतलब अभी तक जो मैंने कड़ी आप सबसे शेयर की है ना, उससे बिल्कुल डिफरेंट हटके है, और बहुत मज़ेदार बनी थी। खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी थी कि मैं क्या ही बताऊं। और ये पकोड़ा इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन कड़ी में बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। तो बस नाइट का टाइम हो गया था और हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैं अभी उनका थाली लगाने जा रही थी। तो बस यहाँ चपाती मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, सिर्फ 4 ही रोटी बनाई थी, 1 रोटी मुझे खाना था और 2 रोटी उनको खाना होता है, 2 ही खाते हैं वो, और मैं जब चावल होते हैं तो 1 ही रोटी खाती हूँ। तो यहाँ अभी मैं थाली लगा लेती हूँ डिनर की। और आज का मेरा जो ब्लॉग है, आप सभी को कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से प्यार सपोर्ट बना के रखिए। आप सभी के प्यार सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड आप सभी के कमेंट्स का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। सो प्लीज़ आप वीडियो पे आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर जाया कीजिए। और ये था कद्दू थोड़ा सा, तो कद्दू की रेसिपी पहले से ही मेरे चैनल पे है, आप जाके देख लीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार वाली है और खट्टा मीठा कद्दू है। तो कढ़ी से भी ज़्यादा टेस्टी कद्दू लग रहा था, बट कढ़ी तो सबकी फेवरेट होती है, आप सबको पता है। तो ये रही आज की हमारी डिनर थाली, और 9-9:30 बजे तक हम लोग चले जाएंगे बिस्तर पे, 10 से 10:30 बजे के बीच में मैं सो जाती हूँ, और इतने टाइम में नींद आराम से पूरी हो जाती है, तो सुबह जल्दी उठने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगी आप सभी से कल के एक और अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करिए। सो थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए, एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।